हाय गाइस, मैं हितेश, मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स है जी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को और एक मूवी रिलीज हो रही है गाइस, इसका नाम है विक्रम वेधा। विक्रम वेधा के बारे में गाइस आज जानकारी देने वाला हूँ, क्या मूवी है, क्या स्टोरी है, कौन से कैरेक्टर उसमें रोल कर रहे हैं और गाइस इसका बेसिक क्या है, किस पर आधारित है, पूरी जानकारी इस वीडियो में गाइस देने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल नेटलिस्ट एडी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती रहेगी। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि विक्रम वेधा दो कैरेक्टर, ऑलरेडी साउथ की मूवी है विक्रम वेधा, उसका रीमेक है यह मूवी जो कि बॉलीवुड में फिर से और एक रीमेक हमको देखने को मिलने वाला है। गैस कैरेक्टर यहाँ पे देखे तो डिफरेंट है। गैस विक्रम के नाम से हमको यहाँ दिखने वाले हैं सैफ अली खान और वेधा के नाम से यहाँ दिखने वाले हैं यहाँ पे ऋतिक रोशन और भी जो सैफ अली खान की स्टोरी है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमको दिखने वाली है। विक्रम जो है एक पुलिस ऑफिसर के रूप में यहाँ पे दिखेगा और वेदा जो नेगेटिव रूप में यानी कि विलन के रूप में यहाँ पे हमको दिखने वाला है। क्या स्टोरी की बात करें तो आपने पुरानी कहानी सुनी होगी विक्रम वैताल वाली आपने कहानी सुनी होगी, जिस प्रकार विक्रम राजा को वैताल जो है कहानियां सुनाता है। विक्रम जो पुलिस वाला है और वह वैताल यानी कि वेदा है, वेदा विक्रम को कहानियां सुनाता है यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कहानियां सुनाता है। पुलिस वाला जो जब चोर को पकड़ता है इसी प्रकार इसमें दिखाया गया है कि ये पुलिस वाला विक्रम जो है वेदा को यानी कि ऋतिक रोशन को पकड़ता है और कहानी सुनता है, यानी जब वेदा कहानी सुनाता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ कहानी और उस कहानी में उसको उलझा देता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पुरानी कहानी सुनी थी विक्रम वैताल की और वैताल जिस प्रकार विक्रम को कहानियां सुनाता रहता है और कहानी सुना के वहाँ से उससे भाग जाता है यानी छूट जाता है उनके चंगुल में से, तो इसी प्रकार इस मूवी में वही स्टोरी को दोहराया गया विक्रम वेधा में। गाइस देखें तो यहाँ पे ऋतिक रोशन बहुत ही अच्छे नेगेटिव रोल में हमको दिखने वाले हैं और विक्रम जो है एक पुलिस ऑफिसर यानी कि सैफ अली खान एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हमको दिखने वाले हैं। यहाँ पे हमको दिखने वाली है राधिका आप्टे, वह एज अ प्रिया के नाम से वह यहाँ पे पहचानी जाएगी। गाइस और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शरीफ हसमी यहाँ पे दिखने वाले हैं। गाइस इस प्रकार इस मूवी में बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। एक्चुअली में आपने यह मूवी पहले देख चुके हैं जिसका यह रीमेक है, लेकिन गाइस वह साउथ इंडियन मूवी थी, लेकिन गाइस यहाँ जो ये मूवी है एक हिंदी रीमेक है और गाइस यह मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि गाइस 30 तारीख को यह ऑलरेडी रिलीज होने वाली है। बहुत सारे लोगों को यह पसंद आएगी क्योंकि गाइज इसमें जो दो कैरेक्टर है बहुत बड़े कैरेक्टर पाए जाए है इसमें। टोटल इसका बजट की अगर बात करें तो गाइज इसका बजट है 175 करोड़, इसका बजट है। इस डायरेक्टर की बात करें तो गाइज डायरेक्टर है पुष्कर और गायत्री, यह दो डायरेक्टर है। गाइज अभी हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, तो प्रोड्यूसर है भूषण कुमार इसके प्रोड्यूसर है। गाइस इसी प्रकार जो प्रोडक्शन कंपनी है तो प्रोडक्शन कंपनी है फ्राइडे फिल्म वर्क्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्मस। गाइस इस प्रकार इसका जो ट्रेलर हमने देखा था बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था और ये दोनों का कैरेक्टर है बहुत ही बढ़िया हमको दिखने वाले, बहुत ही एक्सपीरियंस है इन दोनों को। और गाइस जिस प्रकार हमने विक्रम वेधा पुरानी मूवी देखी है वही मूवी फिर से हमको यह रीमेक के रूप में यहाँ पे दिखने वाली, तो गाइस यह मूवी का आप मजा ले सकते हैं। 30 तारीख को यह रिलीज होने वाली है, अभी 2 दिन ही बाकी है और गाइस यहाँ बड़े स्क्रीन पर हमको दिखने वाली है। गाइस 2 दिन के बाद आप इस मूवी का मजा ले सकते हैं। गाइस थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के गाइस और बात बता दूं गाइस यह जो मूवी है टोटल उसका टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटे और 40 मिनट का है। एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है गाइस, यह एक्शन है ड्रामा भी है इसमें थ्रिलर भी है, तो आपको देखने का बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार बहुत सारी मूवी से लेकर बहुत सारी नई आने वाली मूवी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए अच्छा लगा वीडियो तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा दे। नए वीडियो और नई मूवी की इन्फॉर्मेशन लेकर हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।
हूँ।